नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। कोलोन जर्मनी का एक प्रमुख शहर है। 1930 और 40 के दशक में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट पुलिस का दफ्तर यहां हुआ करता था। यहां लोगों को कैद कर यातनाएं दी जाती थीं और ज्यादातर को कत्ल कर दिया गया। इस सीक्रेट पुलिस को गेस्टापो कहा जाता था। आज यह एक म्यूजियम है और जब आप यहां जाएंगे तो इस सेंटर में कई संदेश लिखे हैं जर्मन भाषा में और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी किया गया है। लिखने वाले उस वक्त के बंदी थे। एक संदेश में इन दीवारों पर लिखा गया कि 15 साल के एक लड़के को इसलिए कैद किया गया क्योंकि उसके पास हिटलर के विरोध की किताबें थी। पुलिस ने उसे पकड़ा, बेरहमी से पीटा, लेकिन वह हिटलर की पुलिस के आगे नहीं टूटा और उसने मरने से पहले माँ बच्चे के रिश्ते की जो कहानी इन दीवारों पर लिख दी वह एक इतिहास बन गया। इस लड़के की माँ हर शाम अपने बेटे के लिए ब्रेड लेकर आती ताकि वह भूखा न रहे और उसने दीवार पर लिखा, अगर कोई आपके बारे में नहीं सोचता तो इतना तय है कि आपकी माँ आपके बारे में जरूर और हमेशा सोचेगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कांग्रेस महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ऐसी फोटो अपने ट्विटर पर डाली जिसे देखते ही आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये फोटो दैनिक भास्कर अखबार द्वारा खींची गई है और शीर्षक है, पहलवान रोया नहीं करते। श्री सुरजेवाला लिखते हैं, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समुंदर होना, मोदी जी चुप क्यों हैं? उन्होंने लास्ट में लिखा, मोदी जी चुप क्यों हैं? चुप इसलिए क्योंकि उनको पता है जनता को उन्होंने खामोश किया है और जब जनता खामोश है तो वो क्यों बोले। सितम पर सितम जारी है और मोदी जी चुप हैं। चुप तो वो उस वक्त भी थे जब 11 बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने माफी दे दी जिन्होंने एक गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था, उसके 3 साल की मासूम बच्ची को मौत की नींद सुला दी थी। अदालत ने समाज और इंसानियत के उन गुनाहगारों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार की मेहरबानी की वजह से वो अब आजाद है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी कहते हैं, उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम हुआ, कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार और गुजरात बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान। अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी? ये उन्होंने कुछ दिन पहले लिखा था। वापस फिर मुद्दे पे आते हैं। हरियाणा की बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय उससे मांग रही हैं जो प्रधानमंत्री का करीबी सांसद आरोपी है। नाम है ब्रजभूषण, भाजपा के सांसद, कुश्ती संघ के अध्यक्ष। खिलाड़ियों पर यौन शोषण का आरोप और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। हफीज मेरठी ने कहा है, अंधो बहरों की नगरी में यू कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा, जिस वक्त बजेगी जंजीरें। अब वापस आते हैं कोलोन शहर पर और उस 15 साल के बच्चे के जज्बे को सलाम करते हैं जिसने हिटलर के खिलाफ बगावत की और अपनी मृत्यु से पहले उसने लिखा था कि अगर कोई आपके बारे में नहीं सोचता तो इतना तय है कि आपकी माँ आपके बारे में हमेशा सोचेगी। इतना तय है कि कोई आज के हालात पर सोचे या ना सोचे, बोले या ना बोले, लेकिन भारत माँ जरूर सोच रही है। नमस्कार।